हॉल में जो आज हमारी मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई, जिसमें कि हमारी जो मेन डिमांड थी, जिसमें कि हमारी सीलिंग जो हमारी पे स्केल में कम कर दी थी उसको, हालांकि हम पंजाब के इसके पे स्केल तक तो नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे का जो चीफ सेक्रेटरी का जो सैलरी थी वो शायद गवर्नमेंट की भी कोई बंदिश थी, उस वजह से उन्होंने उस तक रोका तो उसको उस तक माना गया। और इसके अलावा जो जो हमारी जो और भी डिमांड थी उन सबको सीएम साहब ने बहुत ही अपने पूरे उससे के साथ माना है, और उसके लिए एक हमारी कमेटी बनी है जिस कमेटी में हम लोग भी मेंबर्स हैं, उस कमेटी का गठन किया गया है जिसकी नोटिफिकेशन आज हो चुकी है, और ये जो कमेटी है ये 2 महीने के अंदर अंदर अपनी रिकमेंडेशन जो है सरकार को देगी, और उसमें जो हमारी जो सभी मांगे थी उनको एक तरह से माना गया है, बस उनका प्रारूप बनना है कि उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, किस स्वभाव में, किस प्रकार से और कितने प्रभाव के साथ उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये जो चीज़ है ये आज की डेट में हुई, और हमने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी कामना की और उनका धन्यवाद भी किया कि उन्होंने समय रहते जो है हमें इस जो हमारा संघर्ष था उसको स्थगित करने में हमारी मदद की, और एज ए डॉक्टर हम लोग भी संघर्ष करते हुए एक तरह से सहज नहीं थे, हम भी चाहते थे कि ये जो संघर्ष है ये जल्दी ख़त्म हो, और सरकार ने और मुख्यमंत्री ने अपने निजी रूप से इसमें इंटरेस्ट लेकर के इसको जो है जल्द ख़त्म करने में हमारी मदद की, तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये स्ट्राइक खत्म है या फिर स्थगित है? अभी हमारी स्ट्राइक तो क्या पेंड डाउन स्ट्राइक थी, जिसमें कि हम लोग काम तो करते थे, सिर्फ 2 घंटे के लिए ही थोड़ा सा स्थगित था। ये जो हमारा जो अभी आंदोलन है ये अभी स्थगित माना जाएगा। जो हमारा सीलिंग वाला है उसकी तो नोटिफिकेशन बहुत जल्द हो जाएगी, लेकिन जो हमारी जो बाकी मांगे हैं वो जब हमारी जो टेक्निकल कमेटी है उसकी जो रिपोर्ट्स आएंगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही हम इसको पूरी तरह से जो है बंद माना जाएंगे। चार नौ चौदह पे भी बातचीत हुई है, उसमें सरकार का ये मानना है कि 4-9-14 जब भी कोई नए पे स्केल्स आते हैं तो उस समय के लिए जो 4-9-14 वाले या इस तरह के जो टाइम बाउंड्स होते हैं उनको थोड़े टाइम के लिए स्थगित किया जाता है, तो इसको वो फिर से इम्प्लीमेंट कर देंगे। और हम बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हमारी सारी डिमांडें जो मानी, और सबसे बड़ा उन्होंने ये करा कि जो हमारे अनुबंध पे जो चिकित्सक लगे हैं, क्योंकि उनको जो नए वेतनमान में था कोई एनपीए का कोई जिक्र नहीं किया गया था, तो उनके लिए भी उन्होंने एक नोटिफिकेशन जो है जारी करने की जो है निर्देश दिए हैं। और साथ में सबसे ज़्यादा तो हमें इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब हम कोशिश करेंगे कि कमीशन जो है ताकि हम डॉक्टरों को रेगुलर रखें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।